फोन का मैंने आपको पूरा प्राइस तो बता दिया है। एसर के बहुत सारे थोड़े से बजट फ्रेंडली और स्क्रीन, क्योंकि जैस्मिन जी ने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है। Hey guys, this is Gursaheb and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. तो यार आज की इस वीडियो में मेरे को जाना है बहुत ही जरूरी सामान खरीदने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सौदा खरीदने के लिए, क्योंकि हम एक बहुत ही बड़ी ट्रिप प्लान कर रहे हैं और वो ट्रिप तभी साकार हो पाएगी जब वो सौदा हमारे पास होगा, वो चीज़ें हमारे पास होंगी। तो एक बहुत ही बढ़िया स्टोर में चलेंगे, आपको स्टोर भी दिखाएंगे, सारा सौदा जो खरीदना है वो भी दिखाएंगे, प्राइस वगैरह चेकआउट करेंगे, और भी जरूरी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बहुत बढ़िया लगेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम उस स्टोर चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। बाकी यार आजकल मौसम बहुत ज़्यादा मेहरबान हो रखा है, अभी जो टेम्परेचर है वो हो रखा है 15-16 डिग्री सेल्सियस के आसपास, हवा बहुत ही बढ़िया चल रही है, ठंडी ठंडी। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि मेरे को आज के बाद पैसेंजर सीट पे बैठने का मौका मिलेगा, क्योंकि जैस्मिन जी ने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है, इन्होंने अपना G2 क्लियर कर लिया है। तो आज के बाद मैं यहाँ बैठूंगा और नज़ारों के लुफ्त उठाऊंगा। हाँ जी, तो यार जैसे कि आप पीछे देख सकते हो हम फाइनली पहुंच गए हैं बेस्ट बाय। तो यहाँ से मेरे को अपना सौदा खरीदना है अगर अवेलेबल हुआ तो, और साथ के साथ आपको थोड़ा बहुत स्टोर वगैरह भी दिखाएंगे क्या क्या आइटम्स वगैरह मिलती है। बहुत ही बढ़िया स्टोर होता है, मेरा फेवरेट स्टोर है। लेकिन अंदर जाने से पहले मैं एक कॉमेंट का रिप्लाई करना चाहता हूँ। तो बेसिकली यार मेरी पिछली वीडियो पे एक भाई साहब ने कॉमेंट किया था कि भैया आपकी गाड़ी देख के पता लगता है कि भाई आप किस टाइप के इंसान हो या फिर आप कहाँ से हो इंडिया से। तो ये सबसे पहली चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि भैया गाड़ी देख के किसी को जज करना बढ़िया चीज़ नहीं होती। दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि यार देखो शौक तो मेरे को भी है भाई, $70,000 की गाड़ी हो या फिर $1,00,000 की गाड़ी हो, लेकिन ये मेरा मानना है, मतलब गलतियाँ करके सीखा हूँ कि भैया लोन पे गाड़ी नहीं लेनी। लोन पे तो कनाडा में कोई भी कुछ भी खरीद सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। असली चीज़ ये होती है कि कैश पे खरीदो। और अभी फ़िलहाल जितना मेरा बजट है, जितनी मेरी हैसियत है, उस हिसाब से मैंने ये गाड़ी खरीदी थी, क्योंकि ये गाड़ी मेरे को ए से बी और बी से ए लेके जाती है। और बाकी भगवान ने साथ दिया तो अपने शौक भी पूरे कर लेंगे, लेकिन अपना पहले भी मैंने थोड़ा बहुत शौक पूरा किया हुआ है। मेरे पास जीप कंपस थी, 2 साल चलाई थी, अफोर्ड कर सकता था इसलिए खरीदी थी, लेकिन फ्यूचर प्लान्स काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं तो इसलिए मैंने वो बेच दी। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है, तो जज मत करा करो, वीडियो एंजॉय करो, बढ़िया चीज़ ही होती है। ठीक है, तो अंदर चलते हैं, अपना सौदा वगैरह खरीदते हैं। तो बेसिकली यार जो बेस्ट बाय है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर होता है, जैसे इंडिया में अपने टाटा क्रोमा होता था ना जहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सौदा मिलता था, वैसा ही ये स्टोर होता है। तो आपको सारा हिसाब किताब दिखाते हैं और अपनी भी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली यार मैं थोड़ा कैमरा वगैरह लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि फ़ोन के साथ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि इस पर फोन भी आते हैं, मैसेजेस वगैरह भी आते हैं, सोशल मीडिया भी चेक करना होता है, तो बैटरी काफ़ी वेस्ट होती है, फिर वीडियो बनाने के लिए कुछ बैटरी वगैरह बचती नहीं, और साथ के साथ इसकी स्टोरेज हमेशा फुल ही हो रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो बना रहा हूँ और स्टोरेज फुल होगी पता ही नहीं लगा, तो काफ़ी टाइम खराब होता है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कैमरा वगैरह ले लेते हैं, उसको हैंडल करना भी ईजी है, और इस टाइप के कैमरे में वो फ्लिप आउट स्क्रीन होती है, तो ऐसे स्क्रीन खुल जाएगी तो सिस्टम एकदम सेट हो जाएगा कि भैया मैं दिख कैसा रहा हूँ तो पता लग जाएगा। ये मेरे को कैमरा बढ़िया लग रहा है, पता नहीं आप लोग मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताना है कि क्या हिसाब किताब इसका। ये सोनी का कोई ZV-E10 मिररलेस व्लॉगर कैमरा है, इसके ऊपर माइक भी लगा हुआ है, फ्लिप आउट स्क्रीन है और इंटरचेंजेबल लेंस का हिसाब किताब, और इसका जो प्राइस है वो है $999, आई थिंक $100 का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये हिसाब किताब है। और यार एक ये भी चीज़ होती है जिसको कहते हैं DJI पॉकेट टूर, इसका जो प्राइस है वो है $699। अब इसमें क्या होता है कि गिम्बल भी होता है, कैमरा भी होता है, एक माइक भी होता है वायरलेस वाला, तो सिस्टम काफ़ी बढ़िया होता है। लेकिन यार मेरे को उसकी कैमरे की क्वालिटी, मतलब वीडियो क्वालिटी पे थोड़ा सा डाउट है, और ट्राई भी कर सकते हैं कि खरीद लिया अगर पसंद नहीं आया तो रिटर्न कर दिया, लेकिन बेस्ट बाय के साथ प्रॉब्लम ये है कि भाई यहाँ पे 15% वो रीस्टॉकिंग फीस लेते हैं, तो अगर $500 की कोई चीज़ खरीदूंगा तो $70 मेरे लग जाएंगे जब रिटर्न करूँगा। बाकी यहाँ पे गिम्बल भी पड़ा हुआ है, ये है DJI Osmo 6 मोबाइल 6 जिसका प्राइस है $215 प्लस 13% टैक्सेस, क्योंकि हम ओंटारियो में रहते हैं, अल्बर्टा में नहीं। हाँ जी, तो यार अब हम आगे एप्पल के सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको मैकबुक, आईपैड, आईफोन और एप्पल वॉच के प्राइसेस वगैरह दिखाते हैं और देखते हैं कोई डिस्काउंट वगैरह अवेलेबल है या नहीं है। हाँ जी, तो यार आईपैड एयर 5th जनरेशन का जो प्राइस है 64GB वाला वो है $799 प्लस टैक्सेस, और ये जो एप्पल पेंसिल है इसका वैसे तो प्राइस है $128, लेकिन $5 के डिस्काउंट के बाद $123 की मिल रही है। और एप्पल वॉच अल्ट्रा GPS प्लस सेलुलर वाली, उसका प्राइस है $1099 प्लस टैक्सेस। और यार यहाँ पे एप्पल के एयरपॉड्स जो है उनको काफ़ी सजा के रखा हुआ है केस के अंदर, पता नहीं क्या हिसाब किताब है। बाकी प्राइसेस वगैरह बता देता हूँ, तो जो 2nd जनरेशन है उनका जो प्राइस है $179, और जो 3rd जनरेशन वाले हैं उनका प्राइस है $229, जो एयरपॉड्स प्रो हैं 2nd जनरेशन वाले उनका प्राइस है $329 प्लस टैक्सेस। और यार जो आईफोन वगैरह है उनके तो स्टैंडर्ड प्राइस हैं $1200, $1300, $1500, वो आप वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। एक्चुअली यहाँ पे जो प्राइसेज है ना वो कैरियर के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं वो वाले प्राइसेज लिखे हुए हैं, जैसे $30 या फिर $40 पर मंथ। तो यहाँ पे कनाडा के अंदर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने जो कैरियर होता है जैसे इंडिया में एयरटेल
एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया या फिर एयरसेल वगैरह होता था, यहाँ पे बेल, रॉजर्स, फाइडो, कूडो, वर्जिन, ये सब होते हैं। तो इनके साथ आप 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके अपने लिए कोई भी फ़ोन वगैरह खरीद सकते हो, चाहे सैमसंग का या फिर एप्पल का। तो आपकी मंथली पेमेंट बन जाती है और साथ के साथ आपको अपनी मंथली प्लान का प्राइस देना पड़ता है। तो ये हिसाब किताब होता है। बाकी यार मैकबुक के प्राइसेस बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक मैकबुक एयर खरीदी थी, वो $1500 की थी। बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप मैकबुक खरीदते हो या फिर आईपैड वगैरह खरीदते हो तो आप स्टूडेंट डिस्काउंट लेके मतलब 10% आप सेव कर सकते हो। तो ये सिस्टम है। तो मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर, जो भी आपका हिसाब किताब है, जो भी आपका यूज़ है, उस हिसाब से खरीद सकते हो। आईफोन का मैंने आपको पूरा प्राइस तो बता दिया है, जो ऑनलाइन है वही यहाँ पे है। लेकिन कनाडा में आपको पता ही है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट पे भी फ़ोन वगैरह मिलते हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं कि भाई महीने के महीने कितना देगी। आईफोन 14 प्रो अपना हो जाए या फिर प्लस 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 मैक्स अपना हो जाए, तो पूछ लेते हैं। भाई साहब जा रहे हैं। हाँ जी, तो अगर मैंने प्लान और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का हिसाब किताब पूछ लिया सारा का सारा बेस्ट बाय में, बाकी जगह मेरे को पता नहीं। तो अगर आप यहाँ से आईफोन 14 प्रो लेते हो बिल्कुल ब्रांड न्यू, तो उस केस में आपको मंथली $66 देने होंगे फ़ोन के, और उसके ऊपर से आपको कुछ $60 अपने प्लान के भी देने होंगे, क्योंकि वो सेलुलर और डेटा वगैरह आप यूज़ करोगे ना, तो उस केस में आपका मंथली खर्चा $120 हो जाएगा। और अगर आप कुछ डाउन पेमेंट करते हो, जैसे कि $700 हो गया, तो उस केस में फ़ोन के आपके 30 हो जाएंगे, लेकिन आपको प्लान के 60 तो देने ही पड़ेंगे, या फिर 50 अगर डेटा कम करते हो तो लगा लो, या टैक्स वगैरह लगा के आपका मिनिमम $100 खर्चा होगा अगर आप फोन वगैरह लेते हो। लेकिन यार ये जो सिम कार्ड वगैरह है और ये सारी जो चीज़ें हैं तो आपको कनाडा आने के बाद मिलेंगी, लेकिन मेन प्रॉब्लम तब आती है जब नए नए आप कनाडा आते हो, एयरपोर्ट पे खड़े होते हो, घर वालों को कॉल करना है, या फिर एयरपोर्ट से निकलने के बाद किसी रीज़न की वजह से आपको किसी को भी कॉल करना है, फ्रेंड को, रिश्तेदार को, या फिर किसी रीज़न की वजह से आपको इंटरनेट यूज़ करना है, गूगल मैप्स यूज़ करना है, उस केस में हमारे पास सिम कार्ड नहीं होता। तो उसका आपको एक बढ़िया सा सोल्यूशन बताता हूँ। बेसिकली अगर आप कनाडा आ रहे हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर एज अ परमानेंट रेजिडेंट या फिर वर्क परमिट पर भी आ रहे हो, तो आप कनाडा आने से पहले इंडिया में घर बैठे बैठे एक कनेडियन नंबर ऑर्डर कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। इसमें आपको सिर्फ $40 के अंदर 20 GB ऑफ डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग मिलेगी और साथ के साथ अनलिमिटेड मैसेजिंग मिलेगी। तो जैसे ही आप कनाडा आओगे तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप किसी को भी कॉल कर सकते हो या फिर इंटरनेट वगैरह यूज कर सकते हो। और ये जो मार्शल का स्पीकर है ये $399 का। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि जब हम कनाडा के अंदर कोई नया नंबर लेते हैं या फिर सिम कार्ड खरीदते हैं ना, तो उस केस में हमें कुछ एक्टिवेशन चार्जेस देने पड़ते हैं, $40 या फिर $50। तो इस केस में अगर आप कनेडियन सिम लोगे तो उसके लिए आपको कोई भी एक्टिवेशन चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। और उससे बढ़िया चीज ये कि जो सिम कार्ड है वो आपके इंडिया में घर पे डिलीवर किया जाएगा बिना किसी डिलीवरी चार्जेस के। तो अगर आप भी यार कनाडा आने से पहले ही एक कनेडियन नंबर ऑर्डर करना चाहते हो, टेंशन फ्री होना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी है, तो उस पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप एक कनेडियन नंबर ऑर्डर कर सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ड्रोन वगैरह भी खरीद ले, क्योंकि ट्रिप वगैरह प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ी इंफॉर्मेटिव बढ़िया तरीके से बढ़िया हिसाब के आप सेट हो जाएगा, वैसी वीडियोस बना लेंगे। तो यहाँ पे काफी सारे ड्रोन्स वगैरह पड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पे DJI Mini 3 Pro पता नहीं क्या हिसाब के था वो पड़ा हुआ, उसका जो प्राइस है वो है $1200 प्लस टैक्सेस और इसकी। तो बेसिकली यार ऐसे अलार्म वगैरह बज जाता है अगर कोई चोरी वगैरह कर रहा है, तो हिसाब किताब आपको पता ही होगा इंडिया में भी सारे स्टोर्स वगैरह में ऐसा होता है। तो ड्रोन वगैरह लेने का सोच रहे हैं, इसका जो प्राइस है वो है $1200 प्लस टैक्सेस। तो देखते हैं अभी क्या हिसाब किताब है, फीचर्स वगैरह ऑनलाइन रिसर्च करेंगे, लेकिन अपना अभी जो फोकस है वो है कैमरा, तो वो देख लिया है, स्टॉक वगैरह पता करते हैं, बाकी और प्राइसेस आपको दिखाता हूँ, हेडफोन्स, TV, लैपटॉप्स, क्या हिसाब किताब है देखते हैं। तो यार बेस्ट बाय के अंदर ये गीक स्क्वाड नाम की एक जगह होती है, एक छोटा सा सेक्शन होता है, बेसिकली यहाँ पे लैपटॉप रिपेयर किया जाता है। तो बेसिकली काफ़ी सारे लोग आप में से कमेंट करके पूछते हो, DM करते हो कि भाई हमें लैपटॉप रिपेयरिंग का काम आता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग का काम आता है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो गीक स्क्वाड में आप जॉब वगैरह अप्लाई कर सकते हो, चांसेज हैं कि आपको जॉब मिल जाए, क्योंकि मेरे एक रिलेटिव यहाँ काम करते थे बहुत साल पहले, अब काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे। भाई साहब मेरे को नहीं पता था आजकल इतने बड़े बड़े टैबलेट भी आ गए मार्केट के अंदर, ये है गैलेक्सी S8 अल्ट्रा टैबलेट। भाई साहब 15 इंच की स्क्रीन है, ऐसा लग रहा है टेस्ला के अंदर से उखाड़ के यहाँ पे रख दिया हो, इतनी बड़ी स्क्रीन है। पता नहीं इसका यूज़ क्या है, बड़े फोन होते हैं ये, पता नहीं हिसाब किताब क्या है, लेकिन सिस्टम सेट है, $1600 की आइटम है। हाँ जी, अब हम आ गए हैं लैपटॉप्स के सेक्शन में, तो आपको थोड़े से लैपटॉप्स के प्राइसेस वगैरह दिखा देते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि अगर आप कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आने वाले हो, तो भाई इंडिया से या फिर अपनी होम कंट्री से कोई भी लैपटॉप खरीद के मत लाना, क्योंकि कनाडा में प्राइसेस भी कम होते हैं और आपको वैसे भी फायदे काफी सारे होंगे। तो बेसिकली यार यहाँ बेस्ट बाय के अंदर दुनिया जहान के भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांड्स के लैपटॉप्स वगैरह अवेलेबल हैं, चाहे डेल हो गया, HP हो गया, एसर हो गया, एसूस हो गया, या फिर गेमिंग हो गया, और लो प्राइस मतलब $250 से लेकर $3000 $4000 तक के लैपटॉप और वर्क स्टेशन वगैरह अवेलेबल है। जैसे कि आप यहाँ पे सामने देख सकते हो एसर के बहुत सारे थोड़े से बजट फ्रेंडली लैपटॉप्स वगैरह पड़े हुए हैं, जैसे कि ये है, इसका जो प्राइस है वो है $699। इसके अंदर 16 GB DDR4 रैम है और साथ के साथ 512 GB की SSD है, तो ये हिसाब किताब है। और यहाँ पे पड़ा हुआ है एक $949 का एक लैपटॉप जिसके अंदर 12 GB DDR4 रैम है, तो ये सिस्टम है, और i5 प्रोसेसर। और यहाँ पे भी एक आइटम पड़ी हुई है जिसका प्राइस है $999, Aspire 5, इसके अंदर 20
20 GB की रैम है भाई साहब और 1 TB की SSD है। और अगर डेल की बात करें तो आपको $1,399 के अंदर आपको 16 GB रैम मिल जाएगी और 1 TB की SSD मिल जाएगी। इंस्पायरॉन 14 इंच का लैपटॉप है, ये हिसाब किताब है। और यहाँ पे पड़ा हुआ है एक $1,049 का लैपटॉप जिसपे थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह अवेलेबल है और इसके अंदर 16 GB रैम है और 512 GB की SSD है। तो इस तरीके का ये दिखता है लैपटॉप और पीछे पता नहीं क्या हिसाब किताब चल रहा है। और यहाँ पे एक 16 इंच का विंडोज 11 वाला i7 प्रोसेसर वाला लैपटॉप पड़ा हुआ है $2,000 का, थोड़ा सा महंगा हिसाब किताब है, लेकिन इसके अंदर 16 GB की रैम है और 1 TB की SSD है। तो हिसाब किताब बहुत ही ज्यादा सेट हो गया। तो भाई $1,500 में आपको 16 GB की रैम, 20 GB की रैम और 1 TB की SSD मिल रही है। इतने फास्ट लैपटॉप होते हैं ऐसा लगता है पता नहीं उड़ी ना जाए। और यार अगर आपका जो बजट है वो काफी ज्यादा लो है, ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, तो इतने प्राइस में भी आपको लैपटॉप्स वगैरह मिल जाएंगे। जैसे कि $250 में आपको 4 GB रैम और 128 GB मेमोरी वाला लैपटॉप मिल जाएगा। काम चलाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल या इंटरनेट यूज करना है तो उसके लिए सिस्टम सेट है। और मेरी वीडियोस तो ऑब्वियसली आप देखोगे तो 4 GB रैम में मेरी वीडियोस भी चल जाएंगी। भाई साहब Alienware पड़ा हुआ जिसका प्राइस है $2,799। सैमसंग की वॉच 5 प्रो भाई साहब 45 mm वाली, इसका जो प्राइस है वो है $559। अब काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको एप्पल पसंद होता है, काफ़ी सारे लोगों को सैमसंग पसंद होता है। मेरे को दोनों चीज़ें पसंद है, जो बढ़िया काम कर जाए, जिसका अपने को यूज़ हो जाए वो बढ़िया हिसाब किताब है। बाकी आप सैमसंग वाले हो या एप्पल वाले हो कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और यार ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है तो इसके अंदर ऑब्वियसली आपको सारा का सारा ऑडियो का सौदा मिलेगा, जैसे कि स्पीकर्स वगैरह हो गए या फिर हेडफोन्स वगैरह हो गए, ईयरफोन्स वगैरह हो गए। जैसे कि ये मार्ले ब्रांड का कोई हेडफोन पड़ा हुआ है, इसका प्राइस है $149। फीचर्स पता नहीं लेकिन प्राइस काफ़ी बढ़िया है और ये हिसाब किताब है। भाई साहब JBL के 2R1 करके कोई हेडफोन्स हैं, काफ़ी तगड़े हैं आवाज़ और बीट्स, ओए होए मज़ा ही आ गया। इनका जो प्राइस है वो है $399 प्लस टैक्स। और भाई साहब यहाँ पे Onyx Studio 7 स्पीकर भी पड़ा हुआ, बड़ा ज़बरदस्त होता है, आपको पता ही होगा, इसकी आवाज़ सुन के देखते हैं एक बार। तो ये हिसाब किताब है और इसका जो प्राइस है वो है $499। तो भाई अब हम आ गए हैं टीवी के सेक्शन में। तो यहाँ पे सोनी हो गया, LG हो गया, यहाँ सैमसंग हो गया, दुनिया जान के ब्रांड्स के टीवी वगैरह मिलते हैं, महंगे भी मिलते हैं, सस्ते भी मिलते हैं। $10,000 का भी आपको यहाँ पे टीवी मिल जाएगा और $250 का भी आपको टीवी मिल जाएगा। और ब्लैक फ्राइडे पे अगर आओगे तो आपको $500, $600, $1,000 तक के भी डिस्काउंट वगैरह मिल जाएंगे। तो भाई यहाँ पे सबसे सस्ता टीवी पड़ा हुआ है अभी तक पूरे स्टोर में, मेरे को यही सबसे चीपेस्ट टीवी दिखा है। तो इसका जो प्राइस है वो है $199, लेकिन उसके ऊपर भी आपको $50 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो $150 में आपको ये टीवी मिल जाएगा और ये 32 इंच का HD टीवी है, LED वाला। भाई साहब ये जो टीवी है ना, ये है 85 इंच का 8K का। भाई साहब बेसमेंट हो, काली उसकी दीवारें हो और होम थिएटर लगाओ और ऐसा टीवी लगाओ, मज़ा ही आ जाए कोई बढ़िया सी मूवी देखने में। अभी रिसेंटली हमने इंटरस्टेलर देखी थी, इस टीवी पे देखते हो मज़ा ना आ जाता भाई। आप सिस्टम एकदम सेट है, कभी बनाएंगे अपने भी सपने पूरे करेंगे आप लोगों का साथ रहा हो। लेकिन ये जो टीवी है ना, ये $11,000 का, उसके ऊपर 13% टैक्स भी लगेगा। और यार अगर आप कम बजट में, जैसे कि $600 हो गए, $700 हो गए, मैक्सिमम $1,000 हो गए, उसमें आप अल्ट्रा HD और बहुत सारे फीचर चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारी ब्रांड्स होती हैं, जैसे कि TCL हो गया, रोकू TV हो गया, या फिर बेस्ट बाय की एक ब्रांड होती है इनसिग्निया। तो इतने बजट में आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे, 55 या फिर 65 इंच का टीवी मिल जाएगा, सिस्टम सेट हो जाएगा, गेम खेलो या फिर पिक्चरें देखो। प्लेस्टेशन 5 कंसोल $649.95 मेरे पास है, जैस्मिन जी ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था और मैं सिर्फ इस पे एक ही गेम खेलता हूँ, FIFA 23। तो अगर आप में से कोई मेरे को चैलेंज करना चाहता है तो लगा लेंगे, मेरी जो टीम है वो है रियल मैड्रिड। हाँ जी, तो यार शाम के 7 बज गए और अपना स्टोर बंद हो गया है, तो इन्होंने हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया, कह रहे कि भाई कितनी वीडियो वगैरह बनाओगे। बाकी कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पे स्टॉक में अवेलेबल नहीं था किसी भी बेस्ट बाय में, पूरे ओंटारियो में वो वाला कैमरा अवेलेबल नहीं है। तो थोड़ा ऑनलाइन चेक करूंगा क्योंकि मेरे को वही वाला लेना है, ZV-E10 वाला इंटरचेंजेबल लेंस वाला। बाकी अगर आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन है तो कॉमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज मेहनत करते रहो, हेल्दी रहो और कीप हसलिंग, और अपने पेरेंट्स का नाम जरूर रोशन करना है।